हेलो फैमिली, मैं दिलीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल कीप ग्रो प्रॉपर्टी में। फैमिली, आज मैं जो फ्लैट आप सभी के लिए लेके आया हूँ, ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है भाईंदर ईस्ट बीपी रोड का। ये भाईंदर ईस्ट बीपी रोड पे स्टेशन से आप देखेंगे तो महज अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो यहाँ से 7 से 8 मिनट लगता है भाईंदर स्टेशन पहुँचने के लिए। तो आज ये फ्लैट लेके आया हूँ, प्रॉपर 2 BHK का फ्लैट है। अगर मैं जो गेट है, गेट की एंट्री और एग्जिट की बात करूँ तो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट का ये गेट है इसका। बिल्डिंग में उसी नहीं है, बट कम प्राइस में आपको एक 2 BHK फ्लैट मिलने जा रहा है, वो भी इतने नियर बाय स्टेशन और प्राइम लोकेशन पे, तो शायद ही बहुत कम रहता है। फैमिली, ये जो रोड देख रहे हैं, ये मीरा भाईंदर से ये रोड आता है। मीरा भाईंदर अगर आप रोड देखेंगे वहाँ से ये रोड आ जाता है, और सेम देखेंगे ये सब मार्केट प्लेस है, और यही रोड चला जाता है भाईंदर स्टेशन पे, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 8 से 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ से हमको जाना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आप सामने देख सकते हैं, ये जो है प्रोजेक्ट का नाम है संजीवनी माधुरी संजीवनी टावर, जो कि बहुत ही बढ़िया है, 7 माले की ये बिल्डिंग है। आइए अभी मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ इस लोकेशन पे, दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका एंट्रेंस लॉबी है और किस तरीके से यहाँ पे आने जाने की रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया है आजू बाजू में, बट यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो रहने के हिसाब से काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, संजीवनी टावर इसका नाम है, यही बिल्डिंग है। अगर मैं इसके एंट्रेंस गेट की बात करूं तो मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि इसका एंट्रेंस गेट जो है वो भी बहुत ही ठीक है, मतलब ज़्यादा ये नहीं बोल सकते। अब आप भी सब भी समझ सकते हैं कि 55 लाख का फ्लैट किस तरीके से होता है। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है और ये पीछे से बिल्डिंग का ये व्यू है। ये सब यहाँ से मीटर रूम है, और यहाँ पे आपको एक लिफ्ट मिल जाता है और एक स्टेयर केस मिल जाता है। ये जो है ये नीचे का पैसेज है, ये आपको लिफ्ट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक स्टेयर केस मिल जाता है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं कि इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो यहाँ से लगभग 14 फीट की चौड़ाई मिल जाती है। वही अगर लंबाई की बात करूँ तो आपको 15 फीट की यहाँ पे लंबाई मिल जाती है। उसके बाद फैमिली, आप सभी जब थोड़ा सा और आगे यहाँ पे आते हैं तो ये विंडो देखते हैं, विंडो से कैसा है कि पूरा ओपन है और आपको कैसा है कि घर के अंदर हर जगह से आपको रोशनी मिल रही है, यानी उजाला जो बेडरूम है, लिविंग एरिया हो, किचन हो, हर जगह से बना हुआ है। उसके बाद आप ये एरिया देखेंगे तो ये हम डाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा फ्लैट फैमिली आपने शायद ही कहीं पर देखा होगा इतने कम प्राइस में। आप थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आप ये जो एरिया देख सकते हैं, ये जो पैसेज एरिया आप देखिए कितना बड़ा है फैमिली। यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक टॉयलेट मिल जाता है, आप देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट है यहाँ पे। उसके बाद फैमिली थोड़ा सा और आगे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको वॉशरूम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये फैमिली किचन का एरिया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा किचन है फैमिली, मतलब बहुत ही बड़ा स्पेस है। अगर आप इसको एक रूम भी बना के और छोटा सा किचन बनाना चाहे तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे 3 BHK बना सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो फर्स्ट जो बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम में आप सभी को दिखाता हूँ, देखिए ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 10 फीट की यहाँ पे चौड़ाई है। वही अगर लंबाई की बात करूँ तो आपको 9 फीट की लंबाई मिल जाती है। अगर आपको कवर्ड स्पेस बनाना है इसके अंदर तो यहाँ पे जो है आपको कवर्ड स्पेस जैसा एक जगह मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से भी मैं आप सभी को बता दूँ कि देखेंगे तो एकदम ओपन व्यू है, मतलब घर के अंदर आपको हर जगह से उजाला ही उजाला मिलने वाला है। ये रोड से आप देखेंगे, ये खिड़की से देखेंगे तो सामने आपको बीपी रोड दिख रहा है, जो कि बहुत ही नज़दीक और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग के अंदर उसी नहीं है, बट यहाँ पे हर बैंक से लोन अप्रूव होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुकी है, तो कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा ये जो है फ्लैट है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो इसका जो ये है दूसरा बेडरूम, सेकेंड बेडरूम के अंदर हम लोग फैमिली आते हैं। सेकेंड बेडरूम में आपको मैं दिखा दूँ, ये जो अगर हम खिड़की खोलते हैं तो यहाँ से रोड जो है एकदम सामने सामने और एकदम क्लियर ही दिखता है। उसके बाद फैमिली ये जो इसका दूसरा है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो मतलब हर तरीके से कहीं नहीं तो कहीं ये बहुत ही अच्छा फ्लैट है। एक कम बजट के अंदर जो है, इतने कम बजट में आपको 2 BHK का फ्लैट नहीं मिलता है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 55 लाख के फ्लैट कॉस्ट पे, यानी 55 लाख रुपए के फ्लैट कॉस्ट पे
ये आपको फ्लैट मिल रहा है मीरा भाईंदर के अंदर, भाईंदर ईस्ट के अंदर, जो कि स्टेशन से तकरीबन तकरीबन 8 से 9 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये इसका लिफ्ट है और ये पैसेज एरिया है। पर फ्लोर पे 6 फ्लैट है और यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो ये फ्लैट है, बीच में आप एक फ्लैट है और ये फ्लैट यहाँ पे। फैमिली अभी इसके मैं रेरा कारपेट की बात करूँ तो इसका रेरा कारपेट है 575 स्क्वायर फीट। वही अगर मैं यूजेबल कारपेट की बात करूँ तो वो है 660 स्क्वायर फीट। तो फ्लैट काफी बड़ा है। आप सभी को मैं बता दूँ कि ये बीपी रोड पे है, नियर जैन टेम्पल के पास ये प्रोजेक्ट आता है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप सभी एक बार आके देखिए। 7 माले की बिल्डिंग है, लिफ्ट वाली बिल्डिंग है, पर फ्लोर पे इसमें 6 फ्लैट आपको मिल जाता है। ये फ्लैट 2 BHK के लिए है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे आइए, एक बार फ्लैट देखिए, उसके बाद मैं आप सभी को इसका ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूंगा। फ्लैट के अंदर कोई भी एमिनिटीज नहीं है, सिंगल टावर है, सिंगल टावर के अंदर ही ये जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है। आप सभी की लोकेशन थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ। मीरा भाईंदर स्टेशन यहाँ से जो है वो 5 से 6 किलोमीटर आएगा। वही अगर अगर भाईंदर स्टेशन देखते हैं तो भाईंदर आपको यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 7 से 8 मिनट की दूरी पे मिलता है। बीपी रोड है, पूरा मार्केट का रोड है, तो आप सभी को पता होगा भाईंदर में अगर आप रहते होंगे या फिर आप भाईंदर के बारे में देखेंगे तो यहाँ से रोड पे निकलते हुए आपको हर एक चीज सारी सुविधाएं मिल जाती है। चाहे मार्केट जाना हो, कपड़ा खरीदना है, मतलब हर एक जो भी घर की एक जरूरत की चीज रहती है वो सारी चीज मिल जाती है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप सभी एक बार आइए और फ्लैट पे विजिट कीजिए, उसके बाद और भी ज्यादा मैं आपको जानकारी दूंगा। फैमिली हम लोग रेंट, कमर्शियल और न्यू प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं। अगर आप उसके लिए भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे सहायता ले सकते हैं। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉल करें, मैं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आपको सहायता करूंगा। फैमिली हम लोग बैंक होम लोन में भी काम करते हैं। अगर आप सभी को होम लोन भी कराना हो तो हमारे चैनल पे आप कांटेक्ट करें, हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे जो बैंकर है आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हमारा 52 बैंकों से टाइप है जिसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं। होम रिलेटेड भी आप सभी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम पूरी से पूरी आपको सहायता करेंगे। फैमिली आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार मैं फिर से मैं मिलूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल किप ग्रो प्रॉपर्टी में एक नए फ्लैट और एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।